देखिए अमर उजाला .com पर अयोध्या की आज की सबसे खास सुबह हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था, कई सौ सालों की लड़ाई है, उसके बाद इस सुबह का इंतजार किया जा रहा था। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस वक्त अगर आप अयोध्या की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको ऐसा ही नजारा नजर आएगा। हर जगह पर इसी तरह के मंच लगे हुए हैं, कहीं पर राम धुन बज रही है, कहीं पर अलग अलग कलाकार अपने जो तमाम वाद्य यंत्र ले हैं उनको लेकर मौजूद है, उनका वादन हो रहा है। अलग अलग जगहों पर रामायण के जो प्रसंग हैं उनका अभिवादन, उनका एक तरीके से मंचन किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, और ये तस्वीर आप देखिए रामायण के अलग अलग प्रसंग है, उनका बाकायदा संगीत में मंचन हो रहा है। और सबकी कोशिश ये है कि इसके जरिए जो आज की खुशी है उसको और बढ़ाया जाए। हालांकि ये जिस सड़क पर हम मौजूद है राम पथ पर, इस सड़क को अगर हम आपको दिखाएं, इसको पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। अभी आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। राम जन्मभूमि यानी कि मंदिर के बिल्कुल सामने से जो उसका मुख्य द्वार है वहां से भी मीडिया को भी पीछे हटने को कहा गया। आम लोग जो रात के दो दो ढाई ढाई तीन तीन बजे से वहां पहुंचे हुए थे इस उम्मीद में कि वहां पर उनको दर्शन करने को मिल जाएगा, उन लोगों को भी वहां से हटने को कहा गया है। ये बड़ा अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और वो तमाम लोग सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं, अधिकारियों की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, तमाम अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी गाड़ियां, साफ सफाई का ध्यान रखने वाली गाड़ियां, वो सभी गाड़ियां लगातार एक तरीके से बहुत तेजी के साथ अपने काम में लगी हुई हैं, ताकि एक तो कहीं कोई चूक ना रह जाए। और दूसरी तरफ अगर बात करें, इस तरफ का भी नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग अभी भी आ रहे हैं, बहुत से साधु संत आपको आते हुए नजर आएंगे, लोग भी आते हुए नजर आएंगे, उन सबको भी रोकने के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। कोशिश ये है कि पहले प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हो जाए और उसके बाद जो तमाम लोग हैं उनको दर्शन करने दिया जा सकता है। अभी हालांकि औपचारिक जानकारी इसकी नहीं दी गई है, लेकिन उसके पहले तैयारियां किस तरह से है वो हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो चाहे तमाम चीजें। तो ये जो अलग अलग रंग है ना अयोध्या के, ये जो इतिहास आज बन रहा है उसको और सुंदर बनाने के लिए ये अलग अलग रंग आज अयोध्या में आपको दिखाई देंगे। और सिर्फ आज ही नहीं, जब से हम अयोध्या में मौजूद हैं इसी तरह के रंग नजर आ रहे हैं पूरे अयोध्या में चारों ओर, क्योंकि हर कोई अपने अपने ढंग से खुशी मनाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो पाए, ये तमाम चीजें इसमें की गई हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ दिख रहा है, उसको रोका नहीं जा पा रहा है तमाम कोशिशों के बाद। अब देखना यह है कि जिस वक्त वीवीआईपी आएंगे उस वक्त क्या स्थिति होगी, लेकिन सबको इंतजार है उस पल का जब रामलला अपने मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और पूरा देश इस वक्त इसी पर टकटकी लगाए बैठा है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अयोध्या जी से हमारे साथ लगातार amarujala.com पर जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।